What does it mean for you to be the back-to-back winner, to defend the title of champion here at PMSLC? Ya perasaannya ya untuk memenangi PMSL. It's incredible feeling like I never feel before. Because in the first day and the second day we don't even think about champion. We try to just maybe we can get to PMGC and then suddenly miracle happen. That's it. Okay, jadi lagi sekali kepada semua peminat-peminat tim Indonesia, berikan tepukan untuk tim Alter Ego. Sorry, it's a small, tiny space, but I would like to announce the season MVP for the PMSL T-Fall 2023. Everyone, give it up for Tony K! Tony K! Assalamualaikum guys, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस के मैचेस खत्म हो चुके हैं, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस से हमें टॉप 16 टीम्स पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस से किन 16 टीम्स ने पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिनमें पहले नंबर पर डीआरएस गेमिंग, दूसरे नंबर पर राई स्पोर्ट्स, तीसरे नंबर पर आईएससी स्पोर्ट्स, चौथे नंबर पर फोर मेरिकल वाइब्स, पांचवें नंबर पर टी2के स्पोर्ट्स, छठे नंबर पर मैपटेक स्पोर्ट्स, सातवें नंबर पर लियो स्पोर्ट्स, आठवें नंबर पर हाई वोल्टेज, नौवें नंबर पर मैग्नस स्पोर्ट्स, दसवें नंबर पर सेवंथ एलिमेंट्स, ग्यारहवें नंबर पर स्टालवर्ड स्पोर्ट्स, बारहवें नंबर पर अगोनेक्स आईआईटी स्पोर्ट्स, तेरहवें नंबर पर स्काईलाइट गेमिंग, चौदहवें नंबर पर 52 स्पोर्ट्स, पंद्रहवें नंबर पर एनबी स्पोर्ट्स और सोलहवें नंबर पर दारीजी साइड हमें दिखाई दे रही है। तो गाइस ये वो टॉप 16 टीम्स हैं जिन्होंने पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस से पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और गाइस इसके अलावा किंग ऑफ स्पेड्स, SR3X स्पोर्ट्स, टीम टफ और हेल रेजर्स ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। तो गाइस अगर यहाँ पे पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल से रिलेटेड बात चली रही है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ की फाइनल्स कब से स्टार्ट होंगे और कितने दिन के लिए चलेंगे और इनमें टोटल मैचेस कितने खेले जाएंगे। गाइस पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स हमें 31 अगस्त से स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, जो कि 3 सितंबर तक चलेंगे। मतलब कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स जो होंगे वो हमें 4 दिन के लिए होते हुए दिखाई देंगे, और इनमें डेली बेसिस पर 6 मैचेस खेले जाएंगे। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीम अगोनेक्स आईआईटी स्पोर्ट्स और फोर मेरिकल वाइब्स से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस में हमें टीम अगोनेक्स आईआईटी स्पोर्ट्स और फोर मेरिकल वाइब्स का मिलिट्री बेस में ड्रॉप क्लैश होते हुए दिखाई दिया था। और गाइस मुमकिन है पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स में भी हमें ये ड्रॉप क्लैश होते हुए दिखाई दे। पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स और इरेंगल मैप को लेकर आया ट्रेंडा की तरफ से एक स्टोरी शेयर की गई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इरेंगल मैप में मजीद कुछ ड्रॉप के साथ साथ मिलिट्री बेस को भी मार्क करते हुए लिखा फाइनल्स। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन के हिसाब से अगर मिलिट्री बेस से प्लेन गुजर रहा होगा तो पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स में टीम अगोनेक्स आईआईटी स्पोर्ट्स और फोर मेरिकल वाइब्स का मिलिट्री बेस में ड्रॉप क्लैश होते हुए दिखाई दे सकता है। पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स को लेकर फोर मेरिकल वाइब्स के डॉग्स की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है, और उन्होंने रिप्लाई देते हुए लिखा कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स में हमारा इरेंगल मैप में एक ही ड्रॉप है और वो सिर्फ मिलिट्री बेस है। गाइस ये ट्रेंडा की स्टोरी तो आप लोगों ने देखी है कि उन्होंने काफी ज्यादा लोकेशंस मार्क की हुई हैं, मगर फोर मेरिकल वाइब्स का कहना है कि उनका ड्रॉप सिर्फ एक ही है और वो है मिलिट्री बेस। बाकी देखते हैं कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स में हमें ये ड्रॉप क्लैश होते हुए दिखाई देता है या नहीं, और इस ड्रॉप क्लैश को लेकर आप लोगों के क्या ओपिनियन है कि ये ड्रॉप क्लैश होना चाहिए या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि R3G सीनियर से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस में हमें पाकिस्तानी टीम्स को पिंग्स का काफी ज्यादा इशू फेस करना पड़ रहा था। इसी चीज से रिलेटेड R3G सीनियर की रिसेंट लाइव स्ट्रीम में फैन उनसे पूछ रहे होते हैं तो उसका रिप्लाई क्या देते हैं, उनकी स्ट्रीम का वो पार्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। पूरी स्ट्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिंग के इशू के बारे में अपडेट दो, सुना है मीटिंग हुई है यार, मीटिंग हुई थी बरल पिंग, तो मीटिंग में क्या फैसला किया? मीटिंग में कोई फैसला नहीं, क्या क्या होना था? मीटिंग में हम लोग ने बोला था बेरियन का सर्वर लगा, उन्होंने बोला मंगोलियन नहीं मानते इस चीज़ पे, तो हमने बोला नहीं खेलेंगे, वो बोलते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, शायद ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। कि मैनेजमेंट ने टीमों को ये कहा था कि यार अगर आप मैचेस से मैचेस नहीं खेलोगे,
तो फिर आपको रूल्स रूल बुक के अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब रूल बुक जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप अगर सर्च करो तो मेरे पास पड़ी भी हुई है वैसे पीडीएफ में, मैं आपको कभी दिखा भी दूंगा वो। सो रूल बुक के अकॉर्डिंग यही है कि टीमें किसी भी मैच का स्टेज पर आकर पीएमपीएल में बॉयकॉट नहीं कर सकती। अगर आप बॉयकॉट करोगे तो फिर आपको प्राइस पूल में डिडक्शन होता है, या आपका क्या कहते हैं उसका, आपको बैन कर दिया जाता है इवेंट से फॉर, या कुछ मैचेस के लिए आपको बैन कर दिया जाता है, ठीक है, वो उनका फैसला होता है। तो टेंशन नहीं कहा था कि यार अगर आप सारे करोगे बॉयकॉट तो फिर आपको हो सकता है कि बैन कर दिया जाए, ये बात हुई थी। उन्होंने धमकी नहीं लगाई थी, धमकी लगाना ये होता है कि यार अगर आप इस इशू को ख़त्म नहीं करोगे या आप ये बात करते रहोगे तो फिर हम आपको बैन कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ था। टेंशन ने बात सुनी है टीमों की, उनको बताया कि यार अच्छा हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, टीमों ने कहा हाँ भाई ठीक है, कॉपरेट किया टीमों ने भी, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ऐसे आपको शो किया है कि यार जैसे मैनेजमेंट बात ही नहीं सुन रही, जैसे वो सुनने को तैयार ही नहीं है, कि यार पता नहीं उन्हें कोई, जैसे कि यार उन्हें कोई हेट है हमारे रीजन से। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीम सेवंथ एलिमेंट और पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस से रिलेटेड है। पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस के लास्ट डे में टीम सेवंथ एलिमेंट ने क्या ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। लास्ट डे के लीग स्टेजेस के मैचेस में टीम सेवंथ एलिमेंट ने एक चिकन डिनर भी निकाला है। टीम सेवंथ एलिमेंट के चिकन डिनर का वो मूवमेंट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेवेंथ एलिमेंट्स को सिर्फ अपना मेन एडवांटेज चाहिए, होना नहीं उनको शिकार बिल्कुल भी, किसी क्रॉस एयर के अंदर उनको आना नहीं है। लेकिन स्काईलाइट्स गेमिंग के प्लेयर नहीं बल्कि सेवेंथ एलिमेंट्स के प्लेयर टीम T2K का एडवांटेज तोड़ते देखने को मिल रहे हैं। एडवांटेज नहीं, जो उनके पास प्लेयर्स थे उनको गिराते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सेवेंथ एलिमेंट्स के T24 OP काफी करीब जाएंगे, ग्रेनेड निकालेंगे, स्मोक के बादलों में अपने आप को ढांपे हुए, काफी अच्छा एंगल ग्रेनेड का साबित होगा, 100% एलिमिनेशन जरूर करेगा, डैमेज देगा। स्काईलाइट्स गेमिंग व्हीकल बस्ट होगा और स्मार्ट से उनकी भी कर दी जाएगी छुट्टी। लेकिन टीम T2K के प्लेयर एक रिस्की रिवाइव देने के लिए आगे जा चुके हैं। टीम सेवंथ एलिमेंट्स के प्लेयर्स अपने क्रॉस एयर्स और प्री फायर के जरिए उन स्मोक्स में कुछ बुलेट्स गिराते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन T2K क्या वो उठ खड़े होंगे? रिवाइव चलता बन रहा है, आलियान को आगे बढ़ना होगा, ये रिवाइव खत्म होने देना नहीं उनको बिल्कुल भी। ग्रेनेड जाएगा, अच्छा था ये प्रोजेक्टाइल, डैमेज क्या करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। XMPL वापस से हिल शॉट पुल ऑफ करेंगे, फिर से वही फाइट जिसका हमें इंतजार और ये दूसरा चिकन डिनर हो सकता है कामयाब। ओवर प्रेडिक्ट नहीं करना था उनको बिल्कुल भी। 2v3 सिचुएशन में कन्वर्ट होता हुआ गेम, आलियान बचेंगे, अपने कोर्स करेक्शन उन्होंने की जरूर, लेकिन हाई ग्राउंड पर मौजूद डिवाइन डिविनिटी दिखानी थी, नॉकआउट नहीं दिखाना था, लेकिन हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। T2K स्पोर्ट्स के प्लेयर लव, 4 ग्रेनेड हाथ में मौजूद, दिल में एक उम्मीद है कि प्लेयर को शायद नहीं पता, लेकिन आलियान पल आखिर अब उनकी जो मूवमेंट है वो हो जाएगी, प्लेयर को पता लग चुका है नेट का इस्तेमाल किया जाएगा और पल आखिर वो नेट जाएगा, नॉकआउट निकलेगा और सिचुएशन का रुख बदल कर इसको 3v1 पर लेकर आया जाएगा। लेकिन अब गलती आपको नहीं करनी, अभी कल कंफर्म करना है और कुछ भी करके ये दूसरा सेकंड डिनर अपने नाम आपको करना ही करना है। और टीम सेवंथ एलिमेंट्स के आलियान इस चीज को यहां पर मेक श्योर करने के लिए पहला वो कल कंफर्म कर लेंगे, पीएमपीएल के ऊपर भी नेट जाएगा, इनफैक्ट एमपीएल के ऊपर भी ये नेट जाएगा कुछ उनको यहाँ पर डैमेज देने के लिए। जहां पर प्लेयर्स मौजूद है वहीं पर जोन भी अब उनके बैक साइड पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। सो एमपीएल ऑन वन साइड पर उनकी जो लोकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है, उनको ज्यादा यहां पर एडवांटेज नहीं मौजूद और गोकुबॉट बलाखिर आगे जाएंगे, फायर कनेक्ट किया जाएगा और दूसरा विनर वो चिकन डिनर निकल कर आता हुआ टीम सेवंथ एलिमेंट्स का इन दिस लीग स्टेज। तो चलिए गाइज आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी, अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।